नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स हमें मिलते हैं, उनमें एक कमेंट्स बहुत लोगों ने हमें किया था कि कई लोग उन्हें ये कहते हैं कि उनकी कुंडली में पितृ दोष है और उसको लेकर के वो बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। ये वीडियो मैंने आज उनकी उसी समस्या के समाधान के लिए बनाया है कि यदि आपको भी ऐसा किसी ने कहा है कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है और उसको लेकर के आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, तो ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। दोस्तों, सबसे पहले एक बात को समझिए कि पितृ दोष आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम इसके व्यवहारिक ज्ञान की बात करते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमारे घर में हमारे पिता, दादा, परदादा और उनसे पहले के हमारे वंशावली में बहुत से लोग इस धरती पर रहे हैं। यदि हमारे किसी भी पूर्वज की अकस्मात मृत्यु होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है या बहुत छोटी आयु में उनकी मृत्यु होती है, तो ऐसे में वो व्यक्ति हमारे पितरों की श्रेणी में आ जाते हैं और उसे ही हम कहते हैं पितृ। यानी बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, सुना होगा कि हमारे तो ये पितर हैं, हम पितरों को मानते हैं, हम अपने पितरों को पूजते हैं, वगैरह वगैरह। जो भी जैसा भी आप अपनी भाषा में उसका इस्तेमाल करें, उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन अक्सर जो आपने सुना है पितरों के संदर्भ में, वो उसका कारण यही है। अब बात करते हैं कि यदि हमारी कुंडली में पितृ दोष है, इसका हमें कैसे पता लगेगा। वैसे तो कुंडली के अंदर ऐसा कोई भी योग नहीं होता है जो ये कहे कि ये कुंडली श्रापित कुंडली बनती है या इसमें पितृ दोष है। लेकिन यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई योग कारक प्लेनेट है, उनकी महादशा भी चल रही है और फिर भी यदि आपको उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो ये एक संकेत हो सकता है आपकी कुंडली में पितृ दोष का। दूसरा, यदि मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर योग कारक प्लेनेट है और उनके साथ में कोई मारक प्लेनेट भी साथ में बैठे हुए हैं और ऐसे एक या दो घरों में ऐसा बन रहा है, तो भी आपकी कुंडली में पितृ दोष होने की संभावना बनती है। अब यदि आप ये नहीं जानते हैं कि कुंडली को कैसे एनालिसिस किया जाए, कैसे देखा जाए, तो एक बहुत ही साधारण सा तरीका है पितृ दोष को जानने का। यदि आप सभी के परिवारों में, घर में किसी भी धार्मिक कार्य से पहले, किसी भी शुभ कार्य से पहले और किसी भी त्योहार के दिन यदि घर में किसी बात को लेकर के कोई झगड़ा होता है या घर का माहौल खराब होता है, तो समझ जाइए कि आप लोगों की कुंडली में पितृ दोष है। पितृ दोष का सबसे बड़ा असर यही देखने को मिलता है कि जब भी हमारे घर में कोई खुशी का माहौल होगा, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसी कोई हरकत कर देता है कि जिसकी वजह से पूरे घर का माहौल ही खराब हो जाता है और उस माहौल को ठीक होने में फिर एक दो दिन लग जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये स्पष्ट संकेत है कि हमारे घर में पितृ दोष है। अब यहां तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि पितृ दोष है, तो अब हम क्या करें। देखिए, शास्त्र ग्रंथों में कहा गया है कि यदि मनुष्य की अंतिम इच्छा पूरी ना हो या किसी कारण से उसका शरीर समय से पहले नष्ट हो जाए, तो ऐसे जातक को मुक्ति नहीं मिलती है और वह प्रेत योनि में भटकते हैं और प्रेत योनि की जो आयु होती है वो 1000 वर्ष की होती है। यानी कि यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, तो 1000 वर्ष के पश्चात आपके परिवार में जो भी संतति आएगी, उसकी कुंडली में स्वाभाविक तौर पर ये पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, 1000 वर्ष का समय बहुत बड़ा समय होता है। ऐसे में हम अपने जीवन को पितृ दोष के कारण से तो बर्बाद होने नहीं दे सकते हैं। उसके लिए सबसे सटीक और सबसे आसान तरीका है कि हम पितृ दोष का निवारण करें। बहुत से लोग गया जी जाकर के पितरों का तर्पण करते हैं या त्रंबकेश्वर में जाके या उज्जैन में जाकर के पूजा पाठ करते हैं कि शायद उससे उनके पितृ दोष दूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह उपाय भी जरूरी नहीं है कि काम करेगा ही, क्योंकि यदि मान लीजिए
आपके पितृ वहां जाना ही नहीं चाहते हैं तो आप उनको जबरदस्ती नहीं भेज सकते हैं। ऐसे में हम क्या करें? सबसे पहले एक चीज को समझिए, पितृ आखिर बनते कैसे हैं? यदि मान लीजिए हम अपने शरीर को समय से पहले नष्ट कर दें, जैसे यदि मान लीजिए आपकी आयु 100 वर्ष की है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपको 100 वर्ष से पहले मृत्यु नहीं आ सकती? आ सकती है, स्वाभाविक मृत्यु तो नहीं आएगी, लेकिन काल्पनिक मृत्यु आप अपने जीवन में ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, मृत्यु दो तरह से होती है। एक होता है कि हम अपने यदि शरीर को ही नष्ट कर लें तो भी हमारा यह शरीर खत्म हो जाएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति रिवॉल्वर उठा करके अपने कनपट्टी पे रख करके चला देगा तो क्या वो नहीं मरेगा? बिल्कुल मरेगा। किसी को तैरना नहीं आता और वो समुद्र में कूद जाएगा तो क्या वो नहीं मरेगा? बिल्कुल मरेगा। कोई आग के अंदर कूद जाएगा तो क्या वो जलकर नहीं मरेगा? बिल्कुल मरेगा। लेकिन ऐसे में एक चीज को समझने वाली बात है, यहां पर आपने अपने शरीर को नष्ट किया है, आपको मृत्यु नहीं आई है। ऐसे में आपकी जीवात्मा उस शरीर को तो छोड़ देती है, लेकिन बाकी समय के लिए इस भूभाग पर वो भटकती रहती है और प्रेत योनि में जाने के कारण से उनको 1000 वर्ष तक इस संसार में भटकना होता है। उसके पश्चात ही जाकर के वो ऊर्जा विघटन होती है या डिवाइड होती है या इस वायुमंडल में वापस मिल जाती है। इसको यदि आप बहुत अच्छी तरह से समझना चाहें तो एक चीज को और समझिए, आप सभी लोग शमशान के अंदर किसी न किसी की अंतिम क्रिया के अंदर आप जरूर गए होंगे। वहां पर एक क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं कपाल क्रिया। कपाल क्रिया आखिर होती क्या है? देखिए दोस्तों, जब भी किसी की मृत्यु होती है तो हमारे शरीर के अंदर एक प्रकाश पुंज है, वो सदैव हमारे सहस्त्रार चक्र पर विद्यमान रहता है। ऐसे में यदि मान लीजिए उस ऊर्जा को समाप्त नहीं किया जाए या वायुमंडल में उसको नहीं मिलाया जाए तो वह फिर मुक्त नहीं हो पाती है। ऐसे में कपाल क्रिया करके हम उस ऊर्जा को वायुमंडल में मिला देते हैं, इसे ही हम कपाल क्रिया कहते हैं, ताकि हम जीवात्मा को अगली योनि में जाने के लिए आजाद कर सके। अब जब हमारी अस्वाभाविक मृत्यु होती है तो इस कारण से हमारे शरीर की वो ऑरा है वो नष्ट नहीं हो पाती है और वो कहीं ना कहीं हमारे घर के आसपास माहौल में ही रहती है और उसे ही हम पितृ रूप में मानते हैं या पितृ उन्हें कहते हैं। अब यहां तक तो हमने इसको समझ लिया, पितृ कौन होते हैं, क्या परेशानी उनके कारण से आती है, कुंडली में उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। बात आती है उसके समाधान की। यदि आप त्र्यंबकेश्वर में जाकर, गया जी में जाकर आप उनका तर्पण कर आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर व्यक्ति वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें बहुत खर्च होता है और उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि आपको पितृ योनि के अंदर जो आपके पूर्वज हैं उनको उससे मुक्ति मिल जाए। तो उसका मैं आपको सबसे सटीक और सरल समाधान आज इस वीडियो में दे रहा हूं। आप क्या करेंगे, महीने में एक बार अमावस्या आती है, हर अमावस्या को आप मार्केट से बर्फी लेके आइए, सफेद रंग की बर्फी, 10 रुपए 20 रुपए जो भी आपकी श्रद्धा हो, वह बर्फी ला करके आप अपने घर के अंदर ही, जो आपने घर में स्थान बना रखा है पूजा का, वहां पर आप गाय का उपला, छाना या कंडे, जिसे आप जिस भी भाषा में जानते हो बोलते हो, जो गाय का गोबर होता है जिसको सुखा करके हम छाने, राजस्थान में छाने भी बोलते हैं, कंडे भी बोलते हैं, कहीं उपले भी बोलते हैं, अनेक शब्द है इसको पहचानने के। आपके क्षेत्र में कौन सी शब्द इसका इस्तेमाल किया जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं बता रहा हूं कि गाय के गोबर को सुखा करके जो चीज बनती है मैं उसकी यहां पर बात कर रहा हूं। छोटा सा टुकड़ा आप वो लीजिए, उसको आप जब गैस पे जलाते हैं तो वो एकदम लाल सुर्ख होकर के पक जाता है, लाल हो जाता है। उसे आप एक कटोरी में रख करके अपने पूजा वाले स्थान पर रखिए और जो बर्फी आप लेकर आए हैं वह बर्फी भी वहां पर एक कटोरी में आप रखिए। एक गिलास में आप पानी लीजिए और करीबन आधी चम्मच के करीब आप देसी घी भी वहां रखिए। सबसे पहले बर्फी जो आप लेकर आए हैं उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके वो जो आपने आग में छाने को जलाया है उसके ऊपर थोड़ा सा बर्फी का टुकड़ा रखें और जो आधा चम्मच आपने घी लिया है उसमें से थोड़ा सा घी उस पर डालें और उसके बाद जो पानी का गिलास आपने लिया है
उसमें से थोड़ा सा पानी अपने अंजलि में रख करके, इस तरह से अंजलि में थोड़ा सा पानी लेकर के, और इस तरीके से आप क्लॉकवाइज 3 बार उसके ऊपर से घुमाइए और फिर उस जल को आप जमीन पर छोड़ दीजिए और वहां पर हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि हे पितृदेव, हमारे अपराध को क्षमा करें और हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें, यही हम आपसे कामना करते हैं। और ऐसा प्रार्थना करके पानी जो आपने एक गिलास लिया था उसे आप पेड़ में डाल दें, पीपल के पेड़ में, बाहर तुलसी के पेड़ में या किसी भी पेड़ में डाल दें, और जो बर्फी आपने ली है वो आप किसी गाय को खिला दें। ये उपाय भी यदि आप हर अमावस्या की अमावस्या करना आरंभ कर देंगे तो थोड़े समय के अंदर ही 2-3 अमावस्या भी नहीं निकलेगी कि आपके घर के अंदर सुख शांति का माहौल बनेगा और साथ में यहाँ पर आपके घर में संपत्ति का भी स्थायी निवास बनेगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, पितृ दोष में सबसे ज्यादा प्रभावित उस कुल का सबसे बड़ा पुत्र होता है, यानी जिस घर में भी पितृ दोष है उस कुल का, उस घर का सबसे बड़ा जो पुत्र होता है वो कभी भी काम धंधों से सेट नहीं हो पाता है, ना ही उस घर में शांति रह पाती है, हमेशा क्लेश का वातावरण रहता है और सबसे बड़े बेटे को ही इसका सबसे ज्यादा परिणाम भुगतना होता है। ऐसे में ये पितृ दोष यदि इसका आप निवारण कर लेते हैं तो न सिर्फ आप अपने बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप उनके अच्छे भविष्य का रास्ता खोल देते हैं, क्योंकि यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आपकी कुंडली के अनुसार जितने भी बाद में आपके बच्चे जन्म लेंगे आपके परिवार में, उन सबकी कुंडलियों में भी पितृ दोष जरूर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब परिवार के सदस्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यानी जो दोष आपकी कुंडली में है निसंदेह है वही दोष आपके बच्चों की कुंडली में भी आएगा, खासतौर पर बेटों की कुंडली में। बेटियों की कुंडली में ये दोष नहीं आता है क्योंकि पितृ दोष के प्रभाव से बेटियां हमेशा दूर रहती हैं, क्योंकि वो किसी और घर के अंदर जाएंगी और वहां के देवी देवताओं के नियम उस पर लागू होते हैं। तो ऐसे में एक चीज को आप अच्छी तरह समझिए कि पितृ दोष कहने को तो बहुत छोटा सा है लेकिन इसके प्रभाव बहुत ही गहरे और गंभीर होते हैं। एक छोटा सा उपाय आपको इस पीड़ा से, इस तकलीफ से बाहर निकालने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है, और यह आप यदि करेंगे 2 अमावस्या के बाद ही आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। इन उपायों को करने के बाद यदि आपको अच्छा महसूस होता है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, हमें खुशी होगी कि हमारे इस एक उपाय से आपके जीवन में चली आ रही बहुत लंबे समय से समस्याओं का स्थायी समाधान आपको मिल पाया है। उम्मीद करता हूँ कि इस एक वीडियो ने आपके जीवन से पितृ दोष को लेकर के जो संदेह थे उनको दूर जरूर किया होगा। अगले वीडियो में इससे और अधिक नई जानकारी लेकर के मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, ईश्वर आप सबकी रक्षा करें।